हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ। और देखो यार, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हमें पता है कि हमारे आसपास की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और सारा दिन घर में रहना वैसे ही बहुत बोर करता है। ऐसे में मूवीज़ और वेब सीरीज़ ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इन सब चीज़ों से हमारा ध्यान हटाती है और हमारे मूड को थोड़ी देर के लिए लिफ्टअप कर देती है। तो आज की इस वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी लव स्टोरीज़ जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए, और ये सारी फिल्म्स आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मूवी से जो कि है सोचाना था। डायरेक्टर इम्तियाज अली की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सोचाना था में हम वीरेन और अदिति की स्टोरी देखते हैं। अब फिल्म की स्टोरी के बारे में मैं यार ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी है। बस इस बात से आइडिया लगा लो कि जब दो लोग अरेंज मैरिज के लिए एक दूसरे को देखने जाएं, वहाँ पे रिजेक्ट कर दें, फिर उन दोनों में प्यार हो जाए, फिर उनके मॉम डैड इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दें। अब ये पूरी कन्फ्यूजन कहाँ जाके खत्म होती है, ये इस फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। फिल्म में आयशा टाकिया और अभय देओल की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, और सोचाना था का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है तो गाने भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इस फिल्म को क्रिटिक्स से तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे, पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। अब हमारी ऑडियंस अच्छी फिल्में देखती कहाँ है। अब इसी के साथ चलते हैं हमारी अगली फिल्म की तरफ जो कि है करीब करीब सिंगल। इरफान खान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक करीब करीब सिंगल एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल फिल्म है। फिल्म में हम जया की स्टोरी देखते हैं जो कि एक डेटिंग वेबसाइट के थ्रू इरफान खान के कैरेक्टर योगी से मिलती है जो कि उनके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और वहीं योगी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में जया को बोल देता है कि उसकी 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स आज भी उसे बहुत मिस करती है। अब यहाँ से भैया एक जर्नी स्टार्ट होती है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिल्म में पार्वती मैम जिन्होंने जया का कैरेक्टर प्ले किया है उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इरफान सर की एक्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ। एक बात अगर आप लोगों को सच बताऊँ तो मेरे लिए और शायद हम सबके लिए इस बात पर अभी तक बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इरफान सर जैसे लेजेंडरी एक्टर हमारे बीच में अब नहीं रहे। वैसे फिल्म की बात करें तो फिल्म काफ़ी अंडररेटेड है क्योंकि इसे भी रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, पर बॉक्स ऑफिस पर ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया था। पर फिल्म देखिए जाकर नेटफ्लिक्स पे, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, इस फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में अगली फिल्म की जो कि है कुछ भीगे अल्फाज। कुछ भीगे अल्फाज मेरी सबसे फेवरेट फिल्म्स में से एक है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फिल्म के डायलॉग्स। मतलब अगर आपको शेर व शायरी, पोइट्री, इन सब का शौक है तो आपको इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत सही लगेंगे। फिल्म में हम आरजे अल्फाज की कहानियाँ देखते हैं जो कि एक आरजे होने के साथ साथ एक स्टोरी टेलर भी है, और रेडियो पर इनकी कहानी सुनने वाले लोगों को भी इनमें कुछ अपना सा लगता है, और इन्हीं लोगों में से एक होती है आर्ची। आर्ची का कैरेक्टर गीतांजलि थापा ने प्ले किया है जो कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक है। और अगर आप लोग कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक में बिलीव करते हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आरजे अल्फाज का कैरेक्टर जैन खान ने प्ले किया है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। बंदा आंखों से एक्टिंग करता है। फिल्म में जिस तरह से ये कहानियाँ सुनाते हैं इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ भीगे अल्फाज को नेटफ्लिक्स पर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, पर ये फिल्म पता नहीं क्यों ज़्यादा ऑडियंस अब तक नहीं इकट्ठी कर पाई। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरे भी काफ़ी सारे दोस्तों को इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी लिस्ट में जो अगली फिल्म है वो है म्यूज़िक टीचर। म्यूज़िक टीचर में हम बेनी माधव की कहानी देखते हैं जो कि मुंबई से अभी अभी लौटे हैं एक ऐसा सपना लेकर जो कभी पूरा ही नहीं हो सका, और अब अपने होम टाउन यानी शिमला में म्यूज़िक सिखाते हैं। पर उस टूटे हुए सपने के साथ साथ में कुछ और भी है जिसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। फिल्म में इनकी स्टूडेंट ज्योत्सना का कैरेक्टर प्ले किया है अमृता बागची ने, जिनकी आई थिंक ये पहली फिल्म है, और पहली ही फिल्म में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ। अब ऐसा क्या हुआ था पिछले 8 सालों में बेनी माधव और ज्योत्सना के बीच में, ये जानने के लिए जाकर भैया नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। फिल्म में माधव का कैरेक्टर मानव कौल प्ले करते हैं जो कि मेरे सबसे फेवरेट एक्टर्स में से एक है। अगर आपने सिटी लाइट्स, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, नेल पॉलिश या फिर तुम्हारी सुलू जैसी फिल्म्स देखी है तो शायद मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मानव कौल कितने अंडररेटेड एक्टर हैं, और वर्सेटाइल भी। फिल्म के ज़्यादातर गाने तो रिक्रिएटेड है, मगर इन्हें उस तरह से नहीं रिक्रिएट किया गया है जैसा कि आजकल के सिंगर्स करते हैं। फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत हैं। एक और सबसे अच्छी बात जो मुझे म्यूज़िक टीचर में लगती है वो है फिल्म के लोकेशंस। मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश का एक फ्री टूर हो जाता है। फिल्म को सीधा ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था, पर इतने अच्छे रिव्यूज़ मिलने के बावजूद लोगों के बीच में फिल्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। फिल्म की इतनी यूनिक स्टोरी लाइन को देखते हुए फिल्म की IMDb रेटिंग काफ़ी कम है, मतलब 6.3 तो बहुत कम है। मेरी राय में तो ये मूवी एटलीस्ट 8 की रेटिंग डिजर्व करती है। और अब आते हैं इस लिस्ट की लास्ट मूवी पे जो कि है सर। हाँ, मतलब फिल्म का टाइटल ही है सर। सर मूवी में हम रत्ना की कहानी देखते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वुमन है और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एज अ मेड जॉब करती है। रत्ना को एज अ मेड हायर करता है अश्विन, जो कि किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से न्यूयॉर्क से अचानक से वापस आता है।
अपना राइटर बनने का सपना वहीं छोड़कर। वहीं रत्ना का भी एक सपना है कि एक ना एक दिन वो एक फैशन डिजाइनर बनेगी। अब फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है यार इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो। डायलॉग्स को इतना खूबसूरती से लिखा गया है कि फिल्म के शुरू होने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही आप इस फिल्म में पूरी तरह खो जाते हो। इनफैक्ट कुछ क्रिटिक्स ने तो इसे ऑस्कर के लेवल का बताया है। अगर आपको लव का पोर्ट्रेयल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में देखना है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सर मूवी को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। फिल्म वैसे तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में कई सारे अवार्ड्स जीत कर आई है, पर भैया अपनी ऑडियंस ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट्स में बताओ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉप 5 सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो भी कमेंट्स में बताओ। मुझसे और भी बहुत सारी फिल्मी बातें करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। माय नेम इज़ नितीश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।